Okay. Hello everyone. I hope I am audible to you. आप सभी को सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? Okay. I am going to start the class. Okay. So I welcome you all on this live class by Unacademy. Okay. So basically this is the YouTube channel of Unacademy GATE preparation. Okay. Just to help you in your preparation, right? So you can ask your doubts in between your classes and चलिए हम शुरू करते हैं. My name is Deep Sangeet Maiti. I am one of the verified educator in the GATE mechanical category. Okay, and apart from that I am also working as a design engineer in a Schlumberger company. Okay, so आज का हमारा टॉपिक है गियर ट्रेन्स के ऊपर का टॉपिक है जो कि थियरी ऑफ मशीन्स में आता है. देखिए यू ऑल नो दैट जो गियर ट्रेन्स है इफ यू सॉल्व यू मस्ट हैव सॉल्व इन योर यूजी राइट. आप अपने अंडर ग्रेजुएट में आपने सॉल्व किया होगा विद द हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड. ठीक है, जो टेबुलर मेथड है उससे आपने सॉल्व किया होगा जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाता है राइट. सो जस्ट टू अवॉइड दैट प्रोसीजर मैं आप सभी के लिए गियर ट्रेन का शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप क्वेश्चंस विद इन वन मिनट कोई भी गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लीजिए. यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस लेसन के साथ. ओके, जस्ट एंड ऑल्सो वन मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी लाइव क्लास हो राइट. सो चलिए हम शुरू करते हैं. सी, हम बेसिकली न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एंड हाउ टू प्रिडिक्ट द गियर ट्रेन्स ये मैं आप लोगों को शेयर करूंगा विद इन दैट ये पूरे वन आवर के स्पैन राइट. So these are some of the basic formula which you must know before telling that shortcut trick. Okay, I will be telling you this some of the basic formulas, right? So see, ये basic formula you must know. T1 by T2 is equals to N2 by N1. Now, what is T1 and T2? T1 and T2 are the number of teeth. Okay, मान लो टू गियर्स आर मेशिंग टूगेदर. अभी मैं आप लोगों को डायग्राम से भी शो करूंगा. ठीक है, टू गियर्स आर मेशिंग टूगेदर. मेश होना मतलब एक गियर दूसरे गियर से मेश कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ वन गियर द अनदर गियर इज रोटेटिंग राइट. सो T1 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन फर्स्ट गियर. ओके, यू कैन से इनपुट गियर एंड T2 इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द आउटपुट गियर. ओके, सो देखिए इनपुट गियर में बेसिकली वी गिव पावर. सो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ टीथ है वो स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मींस टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. ठीक है, यहां से यू कैन सी व्हाई, बिकॉज देखिए जो नंबर ऑफ टीथ, मान लो किसी एक गियर में नंबर ऑफ टीथ इज मोर इन दैट गियर. हेलो गजानन, हेलो चित्रांजन. ओके, सो बेसिकली जस्ट इस वीडियो को देखते रहिए, लाइव के सेशन को देखते रहिए एंड जस्ट आस्क योर डाउट्स इन बिटवीन व्हाट एवर यू फेस राइट. सो देखिए जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है. इसका मतलब मोर द नंबर ऑफ टीथ मोर विल बी द साइज ऑफ गियर. ओके, तो जितना बड़ा साइज होता है ना उतना ही स्पीड उसका कम होता है राइट. देखो अभी हम देखेंगे मशीन गियर मशीन. ठीक है, जिसमें मान लो हमारा इनपुट गियर है बड़ा राइट बिग एंड आउटपुट गियर इज स्मॉल, देन हमारा स्पीड इंक्रीज होगा एंड टॉर्क डिक्रीज होगा बिकॉज जितना बड़ा आपका साइज होगा गियर का उतना ही ज्यादा टॉर्क होगा. ठीक है, उतना ही कम स्पीड होगा राइट. सो देखिए यहां पे दिस इज द पिच सर्कल डायमीटर फॉर्मूला. dp is equals to m into t. m is the module, okay, m is the module of the gear and t is the number of teeth. okay, dp kya hai aapka pitch circle diameter. okay, dp is your pitch circle diameter, m is the module and module decides the size of the teeth. jitna bada hoga module utna hi bada hoga size of the teeth right. so dekhiye t is the number of teeth. सो देखिए यहाँ पे t
t1 by t2 = n2 by n1। अब देखिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड कंसेप्ट है, एंड यू माइट डू सी दी मिस्टेक। व्हेनेवर बोथ द गियर्स आर एक्सटर्नली मैच्ड, इसका मतलब दोनों ही एक्सटर्नल गियर यूज हो रहा है, व्हेन वी आर यूजिंग बोथ द गियर्स एंड बोथ आर एक्सटर्नली मैच्ड देन वी यूज नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन पुट करना जरूर मतलब भूलिएगा मत। एंड सेकेंड थिंग, इफ द गियर वन गियर इज इंटरनली मैच्ड एंड अनदर गियर इज एक्सटर्नल, तो उसमें हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करते। चलिए आई विल शो यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। सी हियर, दिस इज द बिगर गियर, दिस इज द स्मॉलर गियर। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है देखिए, दिस इज सपोज दिस बिगर गियर इज रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस स्मॉलर गियर इज रोटेटिंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दिस विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो बिकॉज ऑफ दैट वी विल पुट अ नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पुट नहीं कर रहे हैं, ओके, यहाँ पे पुट कर रहे हैं आपको, बिकॉज आगे हम और भी एडवांस वर्जन देखेंगे जिसमें आर्म्स आ जाएगा बीच में, तब हम कैसे इस गियर ट्रेन रेशियो को, इस रेशियो को हाउ विल बी राइट। ठीक है, सो दीज आर एक्सटर्नली गियर मेस्ट, मीन्स आउटर पे आपको गियर टिथ मिलेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? आंसर ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एक्सटर्नली मैच्ड गियर, इफ द गियर्स आर एक्सटर्नली मैच्ड, ओके, यस, आंसर करते रहिएगा बीच बीच में, ओके, व्हेनेवर आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन। सो व्हेनेवर दे आर एक्सटर्नली मैच्ड, देखो यहाँ पे दो गियर, ये हमने लाइन डायग्राम से शो किया है, दिस इज वन गियर, दिस इज अनदर गियर। अब यहाँ से देख सकते हैं, दिस इज बिगर गियर, दिस इज स्मॉलर गियर, सो सपोज ये इनपुट है एंड दिस इज आउटपुट, ओके, सो इनपुट में आपका टॉर्क ज्यादा होगा एंड स्पीड कम होगा, एंड आउटपुट पे यू विल हैव लेस टॉर्क, ओके, एंड हाई स्पीड, ओके। यहां से आप देख सकते हैं, देखो, बिकॉज नंबर ऑफ टेथ एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो दीज आर एक्सटर्नली मैच्ड। एक्सटर्नली मैच्ड होने की वजह से एक गियर अगर क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई वी विल पुट नेगेटिव साइन हियर। ठीक है, आपको बेसिकली टिथ के सामने नेगेटिव साइन पुट करना है, यहाँ पे मैंने मिस्टेकनली पुट किया, यू विल हैव टू पुट इन फ्रंट ऑफ टिथ, व्हाई आई विल टेल यू नाउ। दिस इज इंटरनली मैच्ड गियर, इंटरनली मैच्ड गियर में देखो गियर्स जो होते हैं ना, टिथ विल कम इनसाइड। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया है टिथ, एंड दिस इंटरनल गियर इज बीइंग मैच्ड विद दिस फुली एक्सटर्नल गियर। ये है आपका फुल्ली एक्सटर्नल गियर, ये जो दिख रहा है आपको पिंकिश कलर में, पिंक कलर में, दिस इज फुल एक्सटर्नल गियर, मतलब पूरे एक्सटर्नल गियर को शो किया गया, बिकॉज ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग गियर टेथ। सिमिलरली ये भी आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टेथ, राइट नाउ। एंड ये आपका जो है ग्रीन कलर में, दिस इज अगेन एक्सटर्नल गियर, बट दिस इज हाफ एक्सटर्नल गियर, हाफ एक्सटर्नल गियर। देखो ये दिस इज आवर एक्सिस, इस एक्सिस के डाउन पोर्शन में, बिलो पोर्शन में हाफ ऑफ द थिंग विल बी देयर। ठीक है, हाफ पोर्शन आपको बिलो दिस एक्सिस में आएगा, तो हाफ आपका ऊपर शो किया गया है, हाफ आपका नीचे शो किया गया है, मतलब हाफ शो नहीं किया गया है, एंड दिस इज द हाफ एक्सटर्नल गियर, ओके, जो कि ये आपका मैच हो रहा है इसके साथ। तो इसके लिए इफ यू राइट दिस रिलेशन, तो आपको कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बिकॉज इंटरनल गियर है। इंटरनल गियर में क्या होता है, मान लो ये जो फुल एक्सटर्नल गियर है, दिस रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इंटरनल गियर भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, सो कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ओके। अब देखिए इस शॉर्टकट में, यहाँ से शुरुआत होता है शॉर्टकट का, बेसिकली वेन एवर आर्म आ जाता है, बिकॉज गेट में जो क्वेश्चन आता है वो किस पे बेसिस पे रहता है, आर्म्स रहते हैं, ओके। नाउ सपोज दिस इज सन गियर, ओके, दिस सन गियर इज हैविंग नंबर ऑफ टिथ एस टी एस, दिस इज प्लैनेट गियर, ओके, ये प्लैनेट गियर है, एंड नंबर ऑफ टिथ ऑन प्लैनेट गियर इज डी पी। ठीक है, व्हाई दिस सन गियर, क्योंकि ये सन गियर जो है ओनली अपने पोजिशन में रोटेट हो सकता है, राइट, एंड ये जो प्लैनेट गियर है ये इसके ऊपर रोटेट करेगा,
आप बोल सकते हैं प्योर रोल करेगा, दिस प्लैनेट गियर विल डू प्योर रोलिंग ऑन दिस सन गियर, ओके, एंड विद द हेल्प एंड ऑल्सो आर्म इज देयर, ठीक है। अब देखो ये वाला जो जॉइंट है दिस इज फिक्स्ड, सपोज दिस इज द आर्म विच इज रिप्रेजेंटेड एट स्मॉल ए, दिस इज प्लैनेट गियर विच इज रोटेटिंग अराउंड दिस सन गियर, प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, दिस इज प्लैनेट गियर दिस इज सन गियर टी एस, ओके। नाउ हाउ वी विल राइट दिस इक्वेशन, देखो इसको ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, एंड बोथ द गियर्स आर एक्सटर्नल गियर्स, बिकॉज देखो दोनों, ये आपका एक्सटर्नल गियर है, ठीक है, नंबर जो डिथ है एक्सटर्नली है, यहाँ पे भी एक्सटर्नल गियर है, सो दे आर मेस्ड एक्सटर्नली, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपिसाइक्लॉइड गियर ट्रेन, ओके। नाउ हाउ वी विल राइट एन पी ए अपॉन एन एस ए इज इक्वल्स टू माइनस टी एस अपॉन टी पी, ये आपको लिखना है। देखो अभी क्या है ना, सन गियर एंड प्लैनेट गियर के बीच में, ठीक है, सन गियर, दिस इज सन गियर एंड दिस इज जस्ट वेट, लेट मी यूज द हाइलाइटर, देखो दिस इज सन गियर एंड दिस इज प्लैनेट गियर, इन दोनों के बीच में दिस आर्म इज कमिंग, ठीक है, ये आर्म आ रहा है, जिसके कारण देखिए क्या होगा, एन पी अपॉन एन एस लिखते थे पहले, लेकिन अभी आर्म आ जाने की वजह से वी विल राइट एन पी ए अपॉन एन एस ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी एस अपॉन टी पी, देखो एन एस ए यहां पे आया है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ डेथ के, सो एन एस ए डिनोमिनेटर में है तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ डेथ ऑन सन ईयर वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो टी एस अपॉन टी पी with negative sign, ये negative sign क्यों, because both are externally meshed, right? So यहाँ पे एन पी ए अपॉन एन एस ए ये समझना बहुत जरूरी है, हम एस से लेकर पी तक लिख रहे हैं, यू कैन से एन पी ए अपॉन एन एस ए इज इक्वल्स टू माइनस डी एस अपॉन टी पी, अब ये एन पी ए को हम कैसे लिखेंगे, एन पी माइनस एन ए, मतलब गियर ट्रेन जो प्लैनेट गियर है उसका रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू आर्म दैट इज एन पी माइनस एन ए होल अपॉन एन एस माइनस एन ए, ठीक है, एन एस मतलब सन गियर एंड एन ए मतलब आपका ये आर्म है और इसको कैरियर भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस टी एस अपॉन टी पी, माइनस साइन बिकॉज यहाँ पे ये दोनों एक्सटर्नली मेस्ड है, इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज एपिसाइक्लॉइड गियर ट्रेन का था, अब देखिए नेक्स्ट केस देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट केस, दिस इज द रिंग गियर दिस इज द प्लैनेट गियर, अब रिंग गियर जो है आपका इंटरनल गियर है, मींस द टिथ जो है वो इनसाइड है गियर के एंड प्लैनेट गियर उसके आउटसाइड में एक्सटर्नल टू इट आपका क्या है गियर्स लगे हुए हैं, सो एंड दिस इज आवर आर्म कैरियर, ओके, नंबर ऑफ टिथ ऑन प्लैनेट गियर इज टीपी एंड नंबर ऑफ टिथ ऑन रिंग गियर इज टीआर, सो देखिए यहां पे अगेन वी विल राइट फ्रॉम प्लैनेट गियर टू रिंग गियर, डिपेंड करता है आप जो ये रेशियो लिख रहे हैं ना एन पी ए एन आर ए टी आर टी पी आप ये कहां से कहां तक लिख रहे हैं, so we are writing from planet to ring, planet से ring के बीच में we are writing, so ये क्या हो जाएगा NPA upon NRA, अब देखो NRA denominator में आ गया, so number of teeth on ring वो आपका numerator में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे number of speeds मतलब जो speed है ring का वो आपका denominator में आ गया, because number of teeth and speed of the teeth are inversely proportional to each other. That's why देखो यहाँ पे r का term denominator में आया, right hand side में teeth का term जो है numerator में आया ring के लिए. Similarly for planet gear. अब देखिए ये क्या है, दोनों internally meshed है. Ring gear आपका internal gear है, planet आपका external है. एक अगर
एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रिंग गियर भी आपका क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आएगी. सो एनपीए क्या हो जाएगा, एनपी माइनस एन ए होल अपॉन एन आर माइनस एन ए इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी पी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोसाइक्लोइडल गियर. ठीक है, इसमें अगर आप वो टेबुलर मेथड से सॉल्व करने चाहते हैं इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू. ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा अगर आप उसको टेबुलर मेथड से सॉल्व करते हैं तो. राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया हो. ठीक है, सिमिलर था, हमने टीपी से लेकर मतलब प्लैनेट गियर से लेकर रिंग गियर तक हमने लिखा. सिमिलरली यहाँ पे दिस इज सन गियर, अब प्लैनेट गियर एंड ये रिंग गियर, तीनों गियर्स आ गए. लास्ट केस में हमने देखा था ओनली प्लैनेट गियर एंड रिंग गियर, अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन. ठीक है, एपिसाइक्लोइडल गियर ट्रेन और हाइपोसाइक्लोइडल गियर ट्रेन का कॉम्बिनेशन देखेंगे. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एपिसाइक्लोइडल गियर एंड रिंग मतलब हाइपोसाइक्लोइडल गियर. ठीक है, देखो ये दिस इज सन गियर, ये सन गियर के अराउंड में दिस प्लैनेट गियर विल रोटेट विच इज हैविंग नंबर ऑफ टेथ एस टीपी, एंड दिस इज द रिंग गियर एंड दिस रिंग गियर इज नथिंग बट योर इंटरनल गियर. ठीक है, जस्ट फॉलो द लेजर. ओके, विच एवर आई एम सेइंग. अब देखो वी कैन राइट दिस वैल्यू, ट्रेन वैल्यू, जिसको मैं इसको हम ट्रेन वैल्यू बोल सकते हैं या स्पीड रेशियो आप बोलो. ठीक है, वी कैन राइट इन द टू फॉर्म, दो फॉर्म के लिए लिख सकता हूँ. लाइक आप सन गियर से लेकर प्लैनेट गियर के बीच में लिख सकते हो, या फिर सन गियर से लेकर रिंग गियर तक लिख सकते हो, और एल्स यू कैन राइट फ्रॉम प्लैनेट गियर टू रिंग गियर. ठीक है, देखो प्लैनेट गियर टू रिंग गियर के लिए लिखेंगे तो सिमिलर हो जाएगा, ऐसा सेम यही होगा. अगर मेरे को लिखना है सन गियर से लेकर प्लैनेट गियर तक तो ये हो जाएगा आपका. तो देखिए अगर मैं लिख रहा हूं, इफ आई एम राइटिंग दैट ट्रेन वैल्यू बिटवीन सन गियर एंड प्लैनेट गियर, इट विल बी एनपीए अपॉन एनएसए फॉर श्योर. एनपीए, एनपीए मींस रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू आर. एनपीए अपॉन एनएसए इज इक्वल टू, नाउ दिस पी एंड एस आर एक्सटर्नली मैच्ड सो नेगेटिव साइन विल बी हियर. So NPA upon NSA is equals to minus TS upon TP. See NSA denominator में है, so right side में number of teeth on sun gear वो numerator में आ जाएगा, because both are inversely proportional, speed and number of teeth. इसलिए NPA upon NSA is equals to minus TS upon TP. So NPA को क्या लिखेंगे, NP minus NA, NSA को लिखेंगे NS minus NA. So with the help of this आपको values given होगी, you can find whatever value you want. Similarly, if I am writing between sun gear and ring gear, तो ये आपके लिए न्यू होगा. इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं. Sun gear and ring gear के बीच में लिख रहा हूं, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिंग गियर से. रिंग गियर से स्टार्ट करके मैं अंदर की तरफ आ रहा हूं सन गियर तक, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सन गियर से स्टार्ट करके रिंग गियर तक जा सकते हो. आई एम स्टार्टिंग विद रिंग गियर, रिंग गियर से सन गियर तक आऊंगा. So, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं रिंग गियर के साथ, सो कैसे होगा, एनआरए अपॉन एनएसए. ठीक है, बिकॉज आई एम राइटिंग बिटवीन रिंग गियर एंड सन गियर, सो एनआरए होल अपॉन एनएसए. ठीक है, सो एनआरए होल अपॉन एनएसए इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, देखो एनआरए आ गया ऊपर में, मतलब यहां पे स्टार्ट करेंगे हम सन गियर से. ठीक है, क्योंकि हम सन गियर एंड रिंग गियर के बीच में लिख रहे हैं, बिकॉज सन गियर से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज एनआरए आ चुका है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में क्या आएगा, सन गियर का आएगा. ठीक है, रिंग गियर का अपोजिट में आना चाहिए, इस तरीके से आपको लिखना है. ठीक है, डिनोमिनेटर में आना चाहिए नंबर ऑफ टेथ ऑन रिंग गियर. तो देखो एनआरए अपॉन एनएसए इज इक्वल्स टू, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सन गियर से. सन गियर से पहले प्लैनेट गियर तक जाएंगे, सो टीएस अपॉन टीपी. देखो TS upon TP लिखा है नेगेटिव साइन के साथ बिकॉज़ दे आर एक्सटर्नली मैच्ड. प्रणाम रोहित. ठीक है रोहित, जस्ट सी इफ यू फाइंड एनी डाउट आस्क मी इन बिटवीन, ओके, इन द लाइव चैट. नाउ TS से लेकर TP तक पहुंच गए, नाउ वी विल राइट फ्रॉम TP टू TR.
पी से लेकर आर तक वी विल गो. सो टीपी अपॉन टीआर, ठीक है, टीपी अपॉन टीआर. देखो हमारा जो रिलेशन है इट इज मैचिंग, ठीक है, आर से लेकर, ठीक है, एनआरए अपॉन एनएसए इज इक्वल्स टू, देखो आर जो है स्पीड ऑफ रिंग गियर विद रिस्पेक्ट टू आर, वो न्यूमरेटर में है तो नंबर ऑफ टीथ ऑन रिंग गियर दैट इज आर वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए. Because speed and number of teeth are inversely proportional to each other, ये relation हमेशा satisfy करना चाहिए. Similarly यहाँ पे NSA जो है denominator में, so TS जो है अपने numerator में आना चाहिए. So इसको हमने कैसे लिखा? Again I will tell you, NRA upon NSA ring gear से sun gear तक के हमने लिखा. So NRA upon NSA लिखेंगे is equals to TS upon TP with negative sign because TS and TP are externally matched into TP अपॉन TR, ठीक है, TP अपॉन TR, ओके, एंड TP जो है R के साथ इंटरनली मैच्ड है, सो नो नेगेटिव साइन विल बी देयर, सो दिस TP TP विल गेट कैंसल, इट विल बी माइनस TS अपॉन TR, एंड NRA मतलब NR माइनस NA होल अपॉन NS माइनस NA. इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल नाउ? प्लीज आंसर. क्या ये सभी को क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूंगा. ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम गेट प्रीवियस ईयर जो कि मैकेनिकल ब्रांच में पूछा गया, ठीक है. हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच हैव बीन आस्क्ड इन गेट, ठीक है, वो गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वी विल सॉल्व. आप लोग टिल नाउ यू मस्ट हैव सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ टेबुलर मेथड जो कि बहुत टाइम लग जाता है, टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, बट अब हम विद इन, देखो 1 मिनट में यू कैन सॉल्व, बट इफ यू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन विद इन 30 सेकेंड्स, 20 to 30 seconds में यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ गेट ट्रिक प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक विच आई एम टेलिंग. See, a planetary gear train, ठीक है, planetary gear train है, has 4 gears, ठीक है, देखो gear 1, this is gear 2, this is gear 3 and this is gear 4. Gear 1 is having 15 teeth, gear 2 is having 45 teeth and gear 3 is having 20 teeth and gear 4 is having 40 teeth, ठीक है. So, all the gears are having some teeth which is represented by 45T, 20T like that. And in between there is a carrier R में जो कि linkage है in between gear 1 and gear 2 and gear 3 and gear 4 के बीच में linkage है, कौन? ये carrier, right? So we need to calculate, देखो angular velocities भी given है. Angular velocities of gear like gear for gear 1 it is omega 1, this is omega 2, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4, ठीक है, एंड ओमेगा 5 है आपका कैरियर के लिए, ठीक है, ओमेगा 5, कैरियर मतलब आर, नथिंग एल्स, ओके. सो दो क्वेश्चंस है, फर्स्ट आपको रिलेशन निकालना है एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन गियर 1 एंड गियर 4, मतलब ओमेगा 1 एंड ओमेगा 4 के बीच में रिलेशन निकालना है, ऑप्शंस गिवन है, ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज गिवन है, बस ये रिलेशन आ जाएगा, इस रिलेशन में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है. देखो ये गियर ट्रेन आपको गिवन है क्वेश्चन में, टेबुलर मेथड से बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, यू विल राइट दैट ट्रेन वैल्यू बिटवीन गियर 1 एंड गियर 4, ठीक है. देखो क्वेश्चन में रिलेशन किसके किसके बीच में पूछा है, गियर 1 एंड गियर 4 के एंगुलर वेलोसिटी के बीच में. यू विल हैव टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ गियर 1 एंड गियर 4. सो वी विल राइट दैट ट्रेन वैल्यू इक्वेशन बिटवीन गियर 1 एंड गियर 4, राइट. सो गियर 1 एंड गियर 4 दैट मींस वी विल राइट नाउ द स्पीड. Speed again we will take that relative velocity with respect to R. So omega 4 upon omega 5, but R is there, so it will be omega 4 minus omega 5 whole upon omega 1 minus omega 5.
this we will write. Okay, omega 4 minus omega 5, where omega 5 is the angular velocity for this arc. ठीक है, so omega 4 minus omega 5 whole upon omega 1 minus omega 5. अब देखिए, this is for speed. Now we will write for number of teeth. Omega 1 and omega 4 को आप देखिए, omega 1 जो है आपका कहाँ पे आ रहा है, denominator में. So we will start with gear 1. So T1 by T2. ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था जो negative sign है, ठीक है, वो हमेशा टिथ के साथ रखिएगा, इसके साथ मत रखिएगा, स्पीड के साथ हमेशा टिथ के साथ रखिएगा. ठीक है, सो T1 by T2, ओके, विद नेगेटिव साइन बिकॉज 1 एंड 2 आर एक्सटर्नली मैच्ड, इनटू माइनस T3 by T4. ठीक है, T3 by T4, ओके, सो माइनस T3 by T4. ठीक है, सो 1 से लेकर 2 में गए, फिर 3 से लेकर 4 तक गए. ओके, इफ आई राइट लाइक दिस, मेक श्योर T1 अगर न्यूमरेटर में है, सो ओमेगा 1 जो है आपका डिनोमिनेटर में होना चाहिए राइट हैंड साइड में, ये चीज का ध्यान रखिएगा. इसको इस तरीके से, इसको मतलब अगर आप लिखते हैं ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 होल अपॉन ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. आपको इस तरीके से अरेंज करना है. ठीक है, सिली मिस्टेक होता है, इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों के दिमाग में फीड करने की कोशिश कर रहा हूँ. राइट, सो T1 बाई T2 with negative sign into T3 by T4 with negative sign is equals to T1 जो है आपका numerator में है, so omega 1 जो है denominator में आना चाहिए. ठीक है, on the right hand side. So यहाँ पे T1, यहाँ पे हमारा value आ गया. अब देखो T1 का value कितना है, 15, T2 का value है 45, T3 का value है 20, T4 का value है 40. ठीक है, negative negative positive हो जाएगा. ठीक है, so after putting all the values you will get 1/6. तो इसको इनवर्स कर दीजिए, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 5 होल अपॉन ओमेगा 4 माइनस ओमेगा 5 इक्वल्स टू 6, दिस इज द आंसर. ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया, इसलिए टाइम लगा. अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी इजीली, 30 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा आपका. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन 1, ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन में बोला था ओमेगा 1 एंड ओमेगा 4, मतलब गियर 1 एंड गियर 4 के बीच में एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसलिए वी रॉट द ट्रेन वैल्यू बिटवीन गियर 1 एंड गियर 4. ठीक है, सो T1 बाई T2 विथ नेगेटिव साइन इंटू T3 बाई T4 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस. बस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पार्ट 2 में बोला है ओमेगा 1 जो है 60 RPM है विथ क्लॉकवाइज रोटेशन. ठीक है, सो जब भी क्लॉकवाइज आएगा उसको पॉजिटिव लेना, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना. ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैरियर मतलब ओमेगा 5 यू विल हैव टू कैलकुलेट, एंड जो गियर 4 है रोटेट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट ट्वाइस द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर 1. मतलब गियर 4 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंड उसकी स्पीड कितनी है, ट्वाइस है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा 1. तो ओमेगा 1 कितना है, 60, सो ओमेगा 4 कितना हो जाएगा, 2 × 60 दैट इज 120, दैट टू विद काउंटर क्लॉकवाइज बोला है, तो मतलब -120 रखेंगे. देखिए ओमेगा 1 गिवन है 60 RPM क्लॉकवाइज, ओमेगा 5 कैलकुलेट करना है, ओमेगा 5 मतलब कैरियर का स्पीड दैट इज आर्म का स्पीड, राइट. सो ओमेगा 4 क्या हो जाएगा, 2 × ओमेगा 1, ये गिवन है, सो ओमेगा 4 इज इक्वल टू 2 × 60 दैट इज 120 RPM काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, मतलब नेगेटिव के साथ पुट करेंगे, ध्यान रखिएगा, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव के साथ पुट करिएगा. ठीक है, सो ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, ओमेगा 1 की जगह 60 पुट कीजिए, ओमेगा 4 की जगह -120 पुट करेंगे, ओमेगा 4 इज इक्वल टू 120 RPM दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज. सो ओमेगा 5 इज द ओनली वन नोन, इसको सॉल्व करिए एंड यू विल गेट, सॉल्व करिए एंड ओमेगा 5 आपको मिल जाएगा -156 RPM. -156 RPM है, इसका मतलब वी कैन राइट 156 RPM काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन आ रहा है, सो ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है,
सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। दिस वॉज द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम ट्राई करते हैं। दिस ऑल्सो वन ऑफ द प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दैट शॉर्टकट मेथड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। सो आर में ओए, ठीक है, हम बेसिकली आज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल कवर जो कि प्रीवियस ईयर गेट में पूछा गया है ऑफ मैकेनिकल विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक। आर ओए है, दिस इज आवर सन गियर, दिस इज द प्लैनेट गियर। ओके, देखो, आर्म ओए ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर रिंग शोन इन द फिगर रिवॉल्व्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट ओ। ये जो आर्म ओए है ना, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। ओके, दिस आर्म ओए इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अबाउट पॉइंट ओ। कौन आर्म? स्पीड कितना है आर्म का? 4 रेडियंस पर सेकेंड, मतलब ओमेगा ए इज इक्वल्स टू 4 रेडियंस पर सेकेंड। वो भी किधर? काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट मींस माइनस के साथ पुट करेंगे। दोनों गियर्स का जो साइज है वो है सेम। दिस गियर बी एंड गियर सी बोथ आर हैविंग सेम साइज। ठीक है, दोनों का साइज सेम है, दैट मींस नंबर ऑफ टेथ ऑन गियर बी विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टेथ ऑन गियर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे दिया है। इफ द सन गियर इज फिक्स्ड, सन गियर बी, ये जो बी है ना, दिस इज सन गियर, दिस इज फिक्स्ड, मतलब एंगुलर स्पीड ऑफ बी विल बी जीरो, यू विल हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर सी। अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेन वैल्यू लिखेंगे बी एंड सी के बीच में। ओके, टिल देन, ठीक है, आप क्वेश्चन को देखते ही मत रहिए, यू कैन ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, एंड यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, देखिए, ओमेगा सी वी हैव टू कैलकुलेट, ओमेगा बी फिक्स है, मतलब सन गियर फिक्स है, क्वेश्चन में बोला है। देखिए यहां पे बोला था सन गियर बी इज फिक्स्ड, इसलिए ओमेगा बी हो जाएगा जीरो बिकॉज दिस इज फिक्स्ड। ओके, नाउ ओमेगा ए आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी ओमेगा ए गिवन है, दैट इज आर रोटेशन वेलोसिटी 4 रेडियंस पर सेकेंड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्वेश्चन में बोला था। तो ये हो जाएगा माइनस 4 रेडियंस पर सेकेंड। नाउ वी विल राइट ओमेगा बी। ठीक है, कहां से कहां तक लिखेंगे? बी से लेकर सी तक, दैट मींस ओमेगा बी ए होल अपॉन ओमेगा सी ए इज इक्वल्स टू, यहां से ओमेगा सी आ गया, मतलब राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ टेथ ऑन सी न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो माइनस टी सी अपॉन टी बी, मतलब आपको हमेशा इसी तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, ओमेगा बी अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू माइनस टी सी अपॉन टी बी। देखो यहाँ पे बी बाई सी है, तो यहाँ पे सी बाई बी होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, बिकॉज स्पीड एंड नंबर ऑफ टेथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों पुट किया? बिकॉज बी एंड सी आर एक्सटर्नली मैच्ड। ठीक है, सो हाउ वी विल राइट ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए होल अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा ए इज इक्वल्स टू माइनस टी सी अपॉन टी बी। अब देखो टी बी एंड टी सी बोथ आर इक्वल बिकॉज बोथ द गियर्स आर ऑफ सेम साइज, सो दिस टी सी एंड टी बी विल गेट कैंसल्ड। सो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए होल अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा ए। ठीक है, सो एंड दिस इज नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगा। सो If you solve this, you will get omega b minus omega a is equals to minus omega c plus omega a. Just put all the values. ठीक है, omega a में ध्यान रखिए minus 4 put करना है because 4 radians per second in the counterclockwise direction. So we put omega a as minus 4. ठीक है, यहाँ पे negative negative में बहुत ज़्यादा confusion हो सकता है and साथ ही साथ आपका negative की वजह से वैल्यूज आपकी मतलब आंसर जो है गलत आ सकते हैं। सो एक भी नेगेटिव साइन को मत भूलिएगा। ठीक है, दिस इज माइनस 4 एंड दिस इज ऑल्सो माइनस 4। यू सॉल्व ओमेगा सी फॉर ओमेगा सी यू विल गेट माइनस 8 रेडियंस पर सेकेंड। सो माइनस 8 रेडियंस पर सेकेंड दिस इज द आंसर। ओके, माइनस 8 रेडियंस पर सेकेंड मतलब 8 रेडियंस पर सेकेंड काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा कौन? ओमेगा सी, मतलब गियर सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम में तो कुछ भी नहीं है, राइट? इस प्रॉब्लम में आपका एक भी आर्म यूज नहीं हुआ है. सो हम इसमें रिलेटिव वेलोसिटी जो हम लिखते थे ओमेगा 5a ओमेगा 2a लाइक दैट, वो हम इसमें नहीं लिखेंगे बिकॉज नो आर्म हैज बीन यूज इन दिस गियर ट्रेन. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल सी. देखो मैं आपको इसमें एक शॉर्टकट बताऊंगा और एक थोड़ा सा जो मेट्रिक बताया वो बताऊंगा, ठीक है? तो आप यू कैन इजीली सॉल्व. देखो गियर टू जो है रोटेट कर रहा है आपका कितना 1200 आरपीएम में, ठीक है? गियर टू आपका 1200 आरपीएम में रोटेट कर रहा है इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. गियर टू जो है गियर थ्री के साथ एंगेज किया, मींस मैश किया हुआ है, राइट? गियर थ्री एंड गियर फोर आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट. देखो गियर थ्री, देखो ये गियर थ्री है एंड दिस इज गियर फोर, ठीक है? लेट मी यूज द हाइलाइटर. दिस इज गियर थ्री एंड दिस इज गियर फोर, बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गियर थ्री एंड गियर फोर दोनों का ही जो स्पीड होगा दैट विल बी सेम, ठीक है? वो सेम होगा, ठीक है? स्पीड गियर थ्री एंड गियर फोर, बिकॉज गियर थ्री एंड गियर फोर दोनों ही सेम शाफ्ट में है. ये गियर फोर एंड गियर फाइव ये दोनों ही मैश हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ओके? गियर थ्री एंड गियर फोर, ठीक है? देखो गियर थ्री एंड गियर फोर बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट एंड गियर फोर एंड गियर फाइव दोनों ही मैश कर रहे हैं. सो टू जो है थ्री के साथ एंगेज हो रहा है एंड फोर जो है फाइव के साथ एंगेज हो रहे हैं, ठीक है? अब देखो पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाए. हमेशा ध्यान रखिएगा गियर की साइज बड़ी होती है, स्पीड होती है कम, राइट? गियर की साइज बड़ी हुई तो स्पीड कम हुआ. सो देखो टू से लेकर अगर आप थ्री में जाते हो, ठीक है, टू से थ्री में जाओगे तो क्या होगा, थ्री का जो स्पीड होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. द स्पीड ऑफ द गियर थ्री विल गेट रिड्यूस्ड. व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ टेथ ऑन गियर थ्री इज मोर, ठीक है? टू में कितना है 20 एंड थ्री में कितना है 40, डबल हो गया नंबर ऑफ टेथ, तो स्पीड हाफ हो जाएगा. सिंपल इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. देखो गियर टू का स्पीड है कितना 1200 आरपीएम, तो गियर थ्री का स्पीड कितना हो जाएगा 600 आरपीएम, ठीक है? डायरेक्ट, ठीक है? इसका लॉन्ग कट मेथड भी बताऊंगा एनालिटिकल में. तो शॉर्टकट इसी तरीके से आपको यूज करना है. मतलब गियर टू का अगर स्पीड है 1200, सो गियर थ्री का स्पीड कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, गियर थ्री का स्पीड कितना हो जाएगा, हाफ. बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था जितना बड़ा गियर स्पीड उतना कम, ठीक है? सो टू से लेकर थ्री में गए तो स्पीड विल गेट रिड्यूस. कितना रिड्यूस होगा, हाफ, बिकॉज नंबर ऑफ डिस्क जो है डबल हो रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, हाफ, बिकॉज नंबर ऑफ स्पीड एंड नंबर ऑफ टेथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो टेथ नंबर ऑफ टेथ क्या हुआ, डबल, 20 से 40 हुआ, तो स्पीड जो है हाफ हो जाएगा. ये 1200 था तो स्पीड कितना हो जाएगा, 600 थ्री गियर के लिए. सो गियर थ्री एंड गियर फोर विल हैव सेम स्पीड बिकॉज बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट, ठीक है? सो गियर फोर का स्पीड कितना हो जाएगा, अगेन 600, बिकॉज गियर थ्री का स्पीड है 600, सो गियर फोर का भी स्पीड हो जाएगा 600. अब देखो अगेन फोर एंड फाइव एक दूसरे से दे आर एंगेजिंग विद ईच अदर. इसका मतलब ये क्या होगा, फोर एंड फाइव, ठीक है, फोर जो है उसमें कितना है 15 टेथ एंड फाइव जो है उसमें कितना है 30 टेथ. अगेन फोर से फाइव में गए, सो द नंबर ऑफ स्पीड जो स्पीड जो होगा वो क्या होगा, अगेन रिड्यूस होगा. कितना रिड्यूस होगा, हाफ हो जाएगा. सो गियर फोर का स्पीड कितना है आपका, गियर फोर का स्पीड कितना है 600 एंड तो गियर फाइव का हो जाएगा 300. तो इन दिस में आपको सॉल्व करना है. देखो अगर मैं सम अप करूं, देखो 1200 था, अगर मैं एग्जाम में इसको सॉल्व कर रहा होता तो कैसे करता, गियर टू का स्पीड है 1200 आरपीएम इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो गियर थ्री का अब देखो टू से लेकर थ्री में गए तो जो गियर का
जो साइज है वो बढ़ गया, सो ना स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगा। सो 1200 है 2 का, सो 3 का स्पीड हाफ हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ टीथ जो है ट्वाइस हो गया। ओके सो ये कितना हो जाएगा 1200 अपॉन 2 दैट इज 600 गियर 3 का। सिमिलरली गियर 3 एंड गियर 4 विल हैव सेम स्पीड दैट इज इक्वल टू 600 आरपीएम बिकॉज बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। सो गियर 4 का कितना है 600 आरपीएम। अगर 4 से लेकर 5 में गए गियर का जो साइज है डबल हो गया, मतलब ये 600 है गियर का साइज डबल हुआ, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा हाफ दैट इज 300 आरपीएम। अब देखो आपको 300 आरपीएम दो दो दिया हुआ है ऑप्शंस में, एक है क्लॉकवाइज एक है काउंटर क्लॉकवाइज। तो देखो 2 अगर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो 3 आपका क्या होगा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है 3 आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ठीक है बिकॉज बोथ आर एक्सटर्नली मैच्ड। एंड 4 भी आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा बिकॉज 3 एंड 4 बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। 4 अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है दैट मींस 5th गियर जो है 5 गियर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है 300 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे देखो गियर 2 एंड गियर 3 मैच कर रहा है सो T2 by T3 is equals to minus omega 3 by omega 2, ठीक है ये मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं हजारों बार एक्सप्लेन कर दिया हूँ। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 2 इज 20 एंड गियर 3 में 40 है, सो ओमेगा 3 कितना हो जाएगा 600 आरपीएम। ठीक है देखो ओमेगा 3 ये नेगेटिव साइन क्यों आया बिकॉज 2 एंड 3 एक्सटर्नली मैच्ड है, अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन पुट किया। और ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया 1200 के सामने, ओमेगा 2 जो है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है क्वेश्चन में बोल दिया है, इसलिए माइनस 1200 हम पुट करेंगे यहाँ पे। सो ओमेगा 3 क्या हो जाएगा 600 आरपीएम। अब ओमेगा 3 एंड ओमेगा 4 जो है इक्वल है ठीक है 600 आरपीएम क्योंकि वो दोनों ही सेम शाफ्ट में। फिर हम लिखेंगे देखो 4 एंड 5 दोनों ही मैश कर रहे हैं दैट इज एक्सटर्नली मैश्ड। सो हाउ वी विल राइट ओमेगा 4 बाई ओमेगा 5, यहाँ पे कुछ भी कैरियर एंड आर्म नहीं है सो हम लोग विद रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं लिख रहे, ओनली ओमेगा 4 बाई ओमेगा 5 इक्वल्स टू माइनस T5 बाई T4। T5 कितना है 30 एंड T4 कितना है 15, ठीक है नंबर ऑफ डेथ्स एंड ओमेगा 4 है 600, सो ओमेगा 5 कितना आ जाएगा माइनस 300, मतलब 300 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, नाउ वी विल सी दिस क्वेश्चन। ओके इस क्वेश्चन को वी विल सी, देखो दिस इज कॉल्ड एज गियर ट्रेन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है गियर ट्रेन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। अब ये जो लाइंस है ना एवरी लाइन इज शोइंग समथिंग, देखो आई विल एक्सप्लेन यू दिस लाइन डायग्राम फर्स्ट, उसके बाद लाइन डायग्राम ऑफ गियर ट्रेन, उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है बहुत ही सिंपल है। अगर आप ये लाइन डायग्राम समझ गए तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ दैट शॉर्टकट मेथड। ओके देखो ये जो शाफ्ट एक्सिस है ना ये शाफ्ट एक्सिस के अबव में हाफ शो है, हाफ है हाफ पोर्शन, हाफ पोर्शन शाफ्ट एक्सिस के नीचे है, टिल नाउ ओनली वी आर शोइंग ओनली द अबव हाफ, ठीक। देखिए कभी भी अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे, कौन सा सिंबल देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ राइट दिस सिंबल, ये सिंबल दिखे एंड यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट वन सेकेंड, लेट मी यूज द पेन। देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ठीक है व्हाट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग गियर ट्रेन का, मतलब गियर्स का डेथ, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग देखो। एंड व्हाट दिस सिंबल जो कि मैंने येलो पॉइंट से शो किया है येलो कलर से, दिस इज इंटरनल गियर, ये देखिए अंदर लगा हुआ है गियर डेथ, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इंटरनल गियर।
सिमिलरली ये जो फोर गियर है, ठीक है, ये जो गियर फाइव है दिस इज इंटरनल गियर, ये जो गियर फोर है दिस इज एक्सटर्नल गियर, क्योंकि देखो यहां पे वन मोर हॉरिजॉन्टल लाइन इज देयर, मतलब गियर फोर के, ठीक है, गियर फोर के दोनों तरफ, ये जो गियर फोर है ना इसके ऊपर भी देखो यहां पे, लेट मी डिलीट दिस वन, इरेज दिस वन सो यू कैन सी इजीली, ठीक है, देखो यहां पे एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो देयर आर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस फॉर दिस गियर फोर, इसका मतलब क्या है, ये फुल्ली एक्सटर्नल गियर है, फुल्ली शो किया गया है। सिमिलरली आप यहां से देखो गियर थ्री को, गियर थ्री को भी यहां पे ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो दिस टू हॉरिजॉन्टल लाइन आर रिप्रेजेंटिंग द गियर डेथ, एंड अगर दो गियर डेथ मतलब दो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका मतलब वहां पे गियर जो है मैश कर रहा है या एंगेज हो, यहां पे देखो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये जो गियर थ्री है फॉर नाउ यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया पे कोई भी मैश नहीं कर रहा है किसी के साथ, लेकिन गियर थ्री जो है यहां पे जरूर मैश कर रहा है, ठीक है, यहां पे गियर थ्री किसके साथ मैश कर रहा है, गियर टू के साथ, और ये जो गियर टू है ओनली हाफ शो किया गया है, रेस्ट हाफ जो है आपका ये शाफ्ट एक्सिस है ना, शाफ्ट एक्सिस के नीचे शो किया गया है, ठीक है, तो दिस इज हाफ एक्सटर्नल गियर, गियर थ्री एंड गियर फोर जो है आपका फुल्ली एक्सटर्नल गियर, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको दोनों डिथ दिख रहे हैं, देखो ये भी डिथ, यहाँ पे भी डिथ और यहाँ पे भी डिथ, लेकिन गियर टू के लिए ओनली एक तरफ डिथ दिखाया गया है, दैट्स व्हाई इट इज हाफ एक्सटर्नल, गियर थ्री एंड गियर फोर इज फुल्ली एक्सटर्नल गियर, एंड जो गियर फाइव है दिस इज इंटरनल गियर, एंड ये आपका है आर्म, ठीक है, दिस इज योर आर्म, ठीक है, दिस इज योर आर्म, राइट, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, लेट मी रेज ऑल द थिंग्स, आई होप यू गॉट दिस प्रॉपरली, ठीक है, ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है, इन द क्वेश्चन आर ओमेगा आर गिवन है 80 रेडियंस पर सेकंड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, जो आर है ना ये आर्म का स्पीड है 80 रेडियंस पर सेकंड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब -80 हम लेंगे, एंड ओमेगा 5 आपको कैलकुलेट करना है, ओमेगा 5 यू विल हैव टू कैलकुलेट, नाउ व्हाट इज ओमेगा 5, ओमेगा 5 इज नथिंग बट योर इंटरनल गियर, एंड ओमेगा टू क्या है आपका, ये है ओमेगा टू, ठीक है, ओमेगा टू मीन्स ये जो गियर दिख रहा है ना आपका टू, जो हाफ एक्सटर्नल गियर है उसका स्पीड है 100 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा 5 मतलब इंटरनल गियर का स्पीड, सो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ओमेगा टू गिवन है, ओमेगा टू मतलब ये गियर जो हाफ एक्सटर्नल गियर है जो हाफ शो किया गया उसका स्पीड गिवन है, आर्म का स्पीड गिवन है जिसको हम कैरियर भी बोलते हैं, एंड इंटरनल गियर का स्पीड यू विल हैव टू कैलकुलेट, सो हम जो ट्रेन वैल्यू है वो कहां से कहां तक के लिए लिखेंगे, गियर टू से लेकर गियर फाइव तक, इंटरनल गियर फाइव तक, दैट्स इट, गिवन डेटा है ओमेगा टू गिवन है 100 रेडियंस पर सेकंड, क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, ये है आपका ओमेगा ऑफ आर, ठीक है, 80 रेडियंस पर सेकंड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज -80 रेडियंस पर सेकंड, ओमेगा 5 आपको कैलकुलेट करना है, सो अप्लाई करिए मेथड बिटवीन गियर टू एंड गियर 5, ठीक है, ये जो मेथड है जो ट्रेन वैल्यू मेथड है वो गियर टू एंड गियर 5 के बीच में आप अप्लाई कीजिए, सो हाउ वी विल राइट, आर्म है 2 एंड 5 के बीच में, सो हम कैसे इसको लिखेंगे, ओमेगा 2a होल अपॉन ओमेगा 5a, सिंपल, ठीक है, ओमेगा 2a होल अपॉन ओमेगा 5a, हम a क्यों लिख रहे हैं सबस्क्रिप्ट में, 2a एंड 5a क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज इन बिटवीन 2 एंड a देयर इज अ आर्म, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ओमेगा 2a होल अपॉन ओमेगा 5a इक्वल्स टू, अब 5a नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, सो हम जो
नंबर ऑफ डेज है वो कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, 5 से, ठीक है, क्योंकि 5 यहां पे डिनोमिनेटर में आ गया तो 5 से स्टार्ट करेंगे, तो n5 बाय n4। ये n क्या है आपका, n जो है आपका नंबर ऑफ डेज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ डेज जो है n से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम भी n के टर्म्स में लिख रहे हैं, राइट। सो यहां पे क्या हो जाएगा, n5 बाय n4। अब देखो n5 और n4 जो है, देखो this is n5, n5 क्या है आपका इंटरनल गियर, this one is n5 and this one is n4, they both are externally matched, कहां पे मैच हो रहा है देखो यहां पे, ठीक है, इस पोजीशन में मैच हो रहा है, तो गियर 4 एंड गियर 5 आर इंटरनली मैच्ड, इसीलिए यहां पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, n5 by n4, और n5 by n4 into फिर कौन दोनों मैच किया है, उसके बाद 3 एंड 2 मैच किया गया है, सो हम लिखेंगे n3 by n2 with negative sign because 2 and 3 are externally matched, ठीक है। अब देखो इस रेशियो को अगेन आई एम सेइंग इस तरीके से लिखिए कि ओमेगा 5 आपका मतलब स्पीड ऑफ गियर 5 डिनोमिनेटर में है, तो जो टेथ है नंबर ऑफ टेथ ऑन गियर 5 राइट हैंड साइड पर न्यूमरेटर में आना चाहिए, क्योंकि यहां पे ये डिनोमिनेटर में आया है ओमेगा 5, सो यहां पे n5 जो है मतलब नंबर ऑफ टेथ ऑन 5 और न्यूमरेटर में आना चाहिए, बिकॉज स्पीड एंड नंबर ऑफ टेथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। सो चलिए अब सारे वैल्यूज को पुट कीजिए, ओमेगा 2a एंड ओमेगा 5a, ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये एक्सटर्नली मैच था करके इसलिए ये हमने नेगेटिव साइन पुट किया है, ओके। सो देखिए यहां पे ओमेगा 2a होल अपॉन ओमेगा 5a इक्वल्स टू n5 / n4 * n3 / n2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। सो बस यहां पे आप पुट कीजिए सारे वैल्यूज को, देखो n5 80 गिवन है, n4 32 गिवन है, सारे वैल्यूज गिवन है, n3 एंड n2, देखो यहां से सारे हमने गिवन डेटा यहां पे है क्वेश्चन में, एवरी गिवन डेटा इज गिवन, ठीक है, बस वैल्यूज को पुट कीजिए यहां पे, ओके, वैल्यूज को हमने पुट किया, नेगेटिव साइन भी आपको कंसीडर करना है, सो एंड ओमेगा 2a को हम क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 - ओमेगा a, एंड ओमेगा 5a को हम लिखेंगे ओमेगा 5 - ओमेगा a, ठीक है, ओमेगा a की वैल्यू -80 बिकॉज़ क्वेश्चन में गिवन था जो r जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सो दिस विल बी -80 एंड -80, ठीक है। सो यहां पे ये हो जाएगा -80 एंड ओमेगा a भी जो है -80 पुट कीजिए, सारे वैल्यूज को सॉल्व कीजिए, तो यहां पे ओमेगा 5 आ जाएगा आपका, ओमेगा 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना है -140 rpm, इसी को अगर आप टेबुलर मेथड से सॉल्व करते हैं आपको बहुत लंबा प्रोसीजर यूज करना होता, तो आंसर हो जाएगा 140 rpm दैट टू इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पहचानना था कि इसमें कौन कौन मैश कर रहा है, इसमें गियर 2 एंड गियर 3 बोथ आर मैशिंग एंड गियर 4, ठीक है, गियर 2 एंड गियर 3 आर मैशिंग, गियर 4 एंड गियर 5 आर मैशिंग, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना ट्रेन वैल्यू लिखा, ठीक है। अगेन मैं इस पर एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रेन वैल्यू हमने कैसे लिखा, ओके, देखो ओमेगा, अब देखो यहाँ पे आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 5 कैलकुलेट करना था, इसीलिए हमने एंड ओमेगा 2 ही वन था, तो इसीलिए हमने ओमेगा 2 से लेकर ओमेगा 5 तक लिखा, राइट। सो ओमेगा 2 ए अपॉन ओमेगा 5 ए, ठीक है, देखो ओमेगा 2 ए होल अपॉन ओमेगा 5 ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, अब ओमेगा जो है डिनोमिनेटर में आ गया तो नंबर ऑफ टेथ ऑन 5 जो है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा n5 अपॉन n4, ठीक है, क्योंकि 5 एंड 4 जो है मैच किया है, ये 5 और ये 4 दोनों एक दूसरे से मैच किया है यहाँ पे, सो इसलिए n5 अपॉन n4 और इंटरनली मैच्ड है इसलिए नो नेगेटिव साइन विल बी देयर इनटू, देखो 2 एंड 3 एक दूसरे से मैच किया है, 2 एंड 3 एक दूसरे से यहाँ पे मैच किया है इसलिए n3 by n2 विद नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे ओमेगा 2 जो है आपका न्यूमरेटर में है लेफ्ट हैंड साइड में, सो नंबर ऑफ टेथ ऑन गियर 2 वो राइट हैंड साइड में आपका डिनोमिनेटर में आना चाहिए, तो सारे वैल्यूज को पुट कीजिए एंड आंसर निकालिए।
सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2017। इसमें एक सिलेबस में ये हो सकता था कि देखो यहाँ पे जो मैश है पी एंड क्यू गियर एक दूसरे से मैश कर रहे हैं, दिस क्यू एंड आर दोनों ही सेम शाफ्ट में है। लोगों ने क्या किया था, हड़बड़ी में ये कर दिया था, ठीक है। इन हरी व्हाट दे डिड इन द गेट, आर एंड एस को मैच करते हुए उन्होंने सॉल्व किया था। लेकिन ये जो आर है ना, आर गियर, दिस इज अ डमी गियर, नो यूज ऑफ दिस गियर, ताकि आप लोगों का मिस्टेक हो इसलिए दिया गया था। बेसिकली पी जो है क्यू के साथ मैच कर रहा है एंड क्यू जो है एस के साथ मैच कर रहा है, राइट। तो आपको स्पीड ऑफ एस गियर कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। स्पीड निकालना है एस गियर के साथ, ये बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन गिवन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम मैशिंग लेते हैं बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू, तो हम रेशियो लिखेंगे टी पी बाई टी क्यू इज इक्वल टू एन क्यू बाई एन पी विथ नेगेटिव साइन। तो वैल्यूज पुट कीजिए, एन क्यू आ जाएगा -213.33 आरपीएम। सिमिलरली अगर आप मैशिंग लेते हैं क्यू एंड एस, ठीक है, क्योंकि क्यू एंड एस मैश किया है यहाँ पे, राइट। सो हम EQ by TS equals to NS by NQ with negative sign. तो यहाँ पे NQ की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ पुट कीजिए, -213.33, एंड Q एंड S जो है एक्सटर्नली मैच्ड है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इज हियर, सो NS आ जाएगा 120 आरपीएम। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज असाइनमेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, एंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ओके, एंड आई विल पोस्ट द आंसर बाय टुमारो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। दिस क्वेश्चन इज असाइनमेंट फॉर यू, यू हैव वन डे टू सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड जो मैंने बताया। शॉर्टकट मेथड का भरपूर अच्छे से यूज कीजिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन को अपने गेट एग्जाम में यू कैन सेव द प्रॉब्लम्स, यू कैन सेव टाइम, ठीक है, बिकॉज गेट में ईच मिनट्स आर क्रूशियल फॉर यू ऑल, ओके। एंड कुछ भी डाउट हो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, एंड ट्राई टू पुट द आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है। सो दिस इज द सोल्यूशन, ओके, दिस इज वन मोर क्वेश्चन, ओके। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन गियर ड्रिल आस्क्ड इन गेट प्रीवियस ईयर, दिस इज द सेकेंड असाइनमेंट, सो दिस इज द असाइनमेंट वन, सो पुट द आंसर लाइक दैट फॉर असाइनमेंट वन, ऑप्शन ए इज करेक्ट सपोज, ओके, सो फॉर असाइनमेंट वन ऑप्शन ए, एंड दिस इज फॉर असाइनमेंट बी, असाइनमेंट टू, विच वट इज द आंसर पुट इन द कॉमेंट बॉक्स, ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है, ओके। सो गियर ट्रेन पे मैंने पूरा एक कोर्स बना के रखा हुआ है, आई हैव मेड होल कोर्स ऑन गियर ट्रेन अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ओके। दिस इज द माई अनअकैडमी प्रोफाइल्स लिंक, यू कैन फॉलो मी फ्रॉम हियर, ओके, और जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड सर्च दीप स्पेस संगीत स्पेस माइथी, ओके। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट दिस ऑन दिस लाइव क्लास, अगर आपको पसंद आया है ये लाइव क्लास, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, and also comment your answers. There are two assignments, assignment 1 and assignment 2. Put your answers in the comment box, okay? So thank you, and don't forget to subscribe this our YouTube channel, ताकि जब भी live classes हो आपको notifications मिलता रहे based on GATE, okay? Just subscribe it, and also don't forget to press this bell icon ताकि आपको notifications मिले जब भी live class हो या कुछ भी video upload, right? Okay, so I am ending this session. Okay, if you have any doubt, you can post your doubts in the comment box. Okay, so thank you.